खनानी मेरी जिम्मेदारी उठाने का कहें तो इनकार मत कीजिए। ऐसे क्यों कह रहे हो? अगर वो आपसे पूछे कि सच क्या है तो आप कह दीजिएगा कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। ठीक है, मैं कह दूंगा, लेकिन क्यों? कुछ और कहेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा ना? ऐसा कुछ नहीं, नानी बहुत कीमती है मेरे लिए, उनका होना मेरी जिंदगी में बहुत जरूरी है सना। चलो मेरे साथ। एतमाद से बोलिएगा उन्हें ताकि उनका दिल समझ जाए। तुम तो इतने ज्यादा बेहतरीन हो, मैं उसकी जिम्मेदारी तुम पर डाल दू, आराम से मर सकते हो। अगर ऐसी बात है तो मैं कभी उसका साथ नहीं दूंगा। मैं ऐसी बातें करोगे तुम? हाँ, मैं ऐसा कहूंगा। आपको क्या लगता है कि आप सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डालकर आराम से मरेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगा। आप एक काम करें, शराफत से अपनी एंजियोप्लास्टी करवाएं और अपनी चहेती की जिम्मेदारियां उठाएं। ठीक है? क्या हो गया, आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? कोई गलत बात तो नहीं कर रहा मैं, हैं? और आप क्या समझती हैं कि मैं कोई पागल हूं? क्या आप उसकी वजह से मुझसे बात करना बंद करेंगे और मैं उसकी जिम्मेदारियां उठाऊंगा? पागल हो क्या तुम? डरो मेरे पास, तुम प्यार करो, डरो नहीं। पहले मुझे बताएं कि आप खाना क्या खाएंगे। अरे भाई, आपने कभी सोचा कि अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं हो रहा मुझको, कुछ भी तो नहीं हो रहा मुझे बेटा, बस अब तुम घर जाओ। नहीं, मैं यही रुकूंगी आपके पास और आपका ख्याल रखूंगी, घर नहीं जा रही। नहीं नहीं बेटा, तुम घर जाओ, सुबह यूनिवर्सिटी भी तो जाना है ना। नहीं, कल यूनिवर्सिटी से ऑफ होंगी।
ऑफ ऑफ नहीं करोगी तुम, अभी घर जाओ, सुबह यूनिवर्सिटी जरूर जाना, एग्जाम्स होने वाले हैं ना बेटा, क्या फेल होना है तुम्हें? नानी, ना अभी कहीं जाऊंगी ना सुबह कहीं जाऊंगी, आपको साथ लेकर जाऊंगी घर। जब सारे फैसले तुम्हें खुद ही करने हैं तो फिर मुझे क्यों कह रही हो खाना खाने के लिए, हुक्म मने तो मुझे। पहले ही झूठ बोल देते तो नानी को तकलीफ ना होती। अब देखो तुम्हारा सच मेरा आसमान खा गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो बीबी जी की नानी का इंतकाल हो गया। क्या? वो भी आपसे बात नहीं कर सकती, वो भी बहुत परेशान है। मेरे घर वाले मेरा रिश्ता देख रहे हैं। तो मैं टाल टाल कर थक गई हूँ यार। हाँ तो कुछ करें आप। मैं क्या करूँ? तबीज़ यार, जब तुम टाल सकती हो कुछ दिन और टाल लो। क्या कहूँ मम्मी से, कोई वजह भी तो हो ना। अभी तक क्या कहा? अभी तक तो यही कहा है कि किसी लड़के के सामने नहीं बैठूंगी खुद को पसंद करवाने। लेकिन अब तो अब्बू ने भी कह दिया है तो देखने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, तो देखने दो, पक्का टल जाएगा। क्या मतलब मुझे देख के कोई टल जाएगा? भाई मेरा मतलब है कि ये यार वो लड़कियां करती है ना आजकल प्रैंक्स, वो रिश्ते वालों के सामने टेढ़ी आंखें गंदी टेढ़े दांत कर लिए, ऐसा कर लो कुछ और क्या। किरण, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके। सामने बैठ जाओ, टल नहीं टल जाएगा।